तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज अपन लोग बात करने वाले हैं कि बीएमएस करने के बाद एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप लोगों का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है, तो इसी सवाल का आज जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हो, स्किन के स्पेशलिस्ट। तो आपको बीएमएस कंप्लीट करना है और बीएमएस कंप्लीट करने के बाद आपको पुणे महाराष्ट्र में भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है जो आयुर्वेद प्लस एलोपैथ दोनों से डर्मेटोलॉजी का डिप्लोमा करवाती है। ये डिप्लोमा 2 साल का होता है जिसे आप बीएमएस करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। बीएमएस पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपका, इंटर्नशिप भी, उसके बाद ही आप इस डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस डिप्लोमा को आप करने के बाद अपने क्लिनिक में एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के जितने भी केसेस होते हैं डिजीज के, और सभी आप अपने क्लिनिक पे देख सकते हो, या फिर किसी हॉस्पिटल में रह के एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट आप स्किन के जो भी डिजीज के जो केस होते हैं सभी आप देख सकते हो। अगर आप डर्मेटोलॉजी का जो कोर्स है, ये डिप्लोमा का, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो, घर बैठे ही करना चाहते हो, तब आप इस कोर्स को अमलई यूनिवर्सिटी चेन्नई से कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वहां से आप इस डिप्लोमा को करके आराम से अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस कर सकते हो, एलोपैथी भी और आयुर्वेदिक भी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।